तो यहाँ पर हम सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं इन रेडियस के ऊपर। हमारे पास प्रॉब्लम है कि इन्हें ट्राइंगल एबीसी हमको प्रूव करना है, कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। स्मॉल आर इन रेडियस है, ये सरकम रेडियस है, एबीसी यहाँ पर एंगल्स है ट्राइंगल के। तो इन रेडियस के कॉन्सेप्ट में ये फॉर्मूला आएगा कि इन रेडियस इज इक्वल टू 4 टाइम सरकम रेडियस साइन ऑफ ए बाय टू साइन ऑफ बी बाय टू साइन ऑफ सी बाय टू। इसको याद रखना है, इसका कॉन्सेप्ट है इन रेडियस का, सर्कम रेडियस के साथ रिलेशन। इसको यूज करो और इसको प्रूफ करने की कोशिश करो। तो फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस ए प्लस कॉस बी वाला फॉर्मूला, 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2। ए प्लस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम पाई होता है, तो ए प्लस बी को पाई माइनस सी कर देंगे तो पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ तक आ गया, कॉस सी ऐसे कैसे ही है, इसको 1 माइनस 2 टाइम साइन ऑफ सी बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला। यहाँ पर ये करने के बाद 1 को तो ऐसे कैसे रहने दो, 2 साइन सी बाय 2 कॉमन ले लो, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2 माइनस साइन सी बाय 2। सी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, और पाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी बाय 2 बन जाएगा, और कॉस 90 वो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 साइन सी, ये एंगल सी है ये एंगल डी है, सी प्लस डी बाय 2 तो ए बाय 2 आ जाएगा, एंड साइन ऑफ डी माइनस सी बाय 2 तो वहां से बी बाय 2 आ जाएगा। अब ये बन गया, इसको स्मॉल आर बाय कैपिटल आर लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। तो इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं।